हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ एंसिलरी ट्रेड्समैन, जिसमें कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, हम जानेंगे हर एक डॉक्यूमेंट्स को। फ्रेंड्स आपको बता दें, आप सभी की बहुत से लंबे टाइम से डिमांड आ रही है कि सर प्लीज आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए कि आखिर वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को ले जाने पड़ेंगे और यदि हमारे पास नहीं है तो हम बनवा लें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बिल्कुल सवाल राइट है, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा और पता चला कि आपका डॉक्यूमेंट्स कम है कोई तो आपको बाहर होना पड़े। इसलिए दोस्तों मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं और फिर मैं ले चलूंगा आपको किस पर, नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम बिल्कुल एक एक डॉक्यूमेंट्स को जो वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है देखेंगे और क्या क्या वहां पे बोला है वो जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और हर एक वीडियो पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने आरपीएफ पेंसिलरी का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपका देखते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और देखना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, फेज है आपकी फोर्थ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब चलिए रीड करते हैं एक एक करके आखिर क्या क्या पॉइंट दिए हैं यहाँ पे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट डाला है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सीबीटी एंड सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीटी एंड पीएमटी एंड टेट टेस्ट, कैंडिडेट विल बी कॉलेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि आपका जो सीवीटी एग्जाम हुआ है इसमें आपके प्रदर्शन के अनुसार और आपका जो पीईटी एंड पीएमटी होगा उसमें आपकी योग्यता के अनुसार, ट्रेड अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंड अब देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे डाला है फ्रेंड, इन केसेस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम मार्क्स, देयर मैरिट पर्सन शैल बी डिटर्मिनेट बाय एज क्राइटेरिया, आई ओल्डर पर्सन शैल बी गिवन हायर सीनियरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? तो इसका मतलब यही निकलता है फ्रेंड्स, यदि दो पर्सन सेम स्कोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप और आपका दोस्त एक जैसे नंबर लाते हैं, और तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा दोस्तों, उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी एज ज्यादा हो। यानी यदि आपके नंबर आए हैं 40 और सेकंड की भी आए हैं 40 और आपकी एज है 25 और उसकी एज है 23 तो आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है, एज प्रायोरिटी, मतलब कि यानी वृद्ध पर्सन का पहले सिलेक्शन होगा, यहाँ पे जी बोला गया है। अब है आपका पॉइंट थर्ड, जिसमें क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैंडिडेट इन सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा है फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे दिया है वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड यहाँ पे दिया है दोस्तों अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। तो अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स यह निकलता है कि आपका जो फाइनली सिलेक्शन होगा
उसका आधार होगा आपका मेडिकल टेस्ट, आपका शैक्षणिक स्तर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड आपके जो लोकल एरिया जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा आपके चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन एंड आपका जो ट्रेनिंग होगा उसमें लास्ट में जो आपका सत्यापन होगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तीसरे पॉइंट का मीन्स जे निकलता है। अब आता है आपका चौथा पॉइंट और इसमें डाला है फ्रेंड, कैंडिडेट माय प्लीज नोट द सीआरसी ओनली रिकमेंड्स नेम ऑफ द एम्पैनल्ड कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड ओनली बाय द रेस्पेक्टेड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं उसमें जो सीआरसी है वह सूचीबद्ध अनुसूचीबद्ध कैंडिडेट है उनकी सिफारिश करता है और बाकी आपकी जो नियुक्ति होगी उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रशासन की है ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पांचवा, कैंडिडेट हु डू नॉट अपेयर फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड सिलेक्शन इन रिस्पेक्टेड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन पीटी एंड पीएमटी एंड ट्रेड टेस्ट। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि यदि आप वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट नहीं हुए तो आप पीटी पीएमटी एंड सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद ही क्या अयोग्य माने जाओगे। जी हाँ, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा यदि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम वहां पर नहीं पहुंचते। तो दोस्तों इनकी जो सब बातें मेंशन थी, अब देखते हैं हम डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या क्या मांगे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे जो साफ साफ डाला है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्रों का प्रारूप यहाँ पे डाला है फ्रेंड, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पी टी पी एम टी एंड टेस्ट आर 10th मैट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ एज यानी जो जो आपकी 10th मार्कशीट वगैरह है उनके आधार पर दोस्तों जी। तो हम अभी देख लेंगे लेकिन यहाँ पे यही है दोस्तों, आपके जो भी मूल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो प्रतियां होंगी उनको वहां पर सत्यापन के लिए ले जाना पड़ेगा मूल दस्तावेज के साथ साथ, यानी उसकी जो कॉपीज होंगी उसके मूल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर पीटी एंड पीएमटी के लिए ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे डाला 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आज प्रूफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं की मार्कशीट उम्र के अनुसार यानी उम्र प्रमाण पत्र के आधार पर आप 10वीं की मार्कशीट वहां पे ले जा सकते हैं मैट्रिकुलेशन की, वहां पे मान्य रहेगी। जी हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला पॉइंट दोस्तों कि आपका जो शैक्षणिक स्तर के लिए आपकी 10th की मार्कशीट देखी जाएगी क्वालिफिकेशन के आधार पर, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका कि मेजरमेंट ऑफ एज सर्टिफिकेट यानी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका एज देख लिया जाएगा यानी 10th की मार्कशीट में जो एज होगी उसी को मान लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट फॉर एस सी एस टी एंड ओ बी सी कैंडिडेट इन द फॉर्मेट, यहाँ पे जो दिया है दोस्तों इसका मतलब ये निकलता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए कॉस्ट सर्टिफिकेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना है वही मान रहेगा वहां पर। यहाँ पे दिया है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस मैन यानी जो एक्स सर्विस मैन है जिनको पूर्व सैनिक बोलते हैं उनको उनका प्रमाण पत्र चाहिए निर्वहन प्रमाण पत्र है ना। और नेक्स्ट आता है आपका टू कॉपीज ऑफ सेल अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ यानी दो फोटो चाहिए आपकी स्वयं द्वारा प्रमाणित यानी रंगीन चाहिए आपकी टू कॉपीज फोटो है ना। इसके बाद आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC यहाँ पे फॉर्म द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए वहां पर प्रेजेंट नियोक्ता के द्वारा। फिर वहां पर दिया है लास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है दोस्तों आप समझते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब कि अधिवास प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए रहेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं हम इनके नोट वगैरह क्या क्या नोट में क्या क्या दिया है आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स नोटिस को पढ़ने से पहले हम इसको हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों मैं इंग्लिश में हिंदी ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके बाद अपन पढ़ेंगे रीड करेंगे क्या करके ना। हाँ तो डियर फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखिए अच्छे से हिंदी में हर एक बात को अच्छी तरीके समझ लीजिए दोस्तों क्योंकि टाइम कम है। अभी आपके पास ना हो डॉक्यूमेंट्स तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी बनवा लें नहीं तो एन मौके पर कुछ नहीं होगा। इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट नोट क्या है,
अभ्यर्थी जो रिक्तियों में आरक्षण या उम्र छूट चाहते हैं, वो दस्तावेज सत्यापन के लिए समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से मूल आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला है, अन्यथा अज्ञा अजा अब अनपिछड़ा वर्ग पूर्व सैनिक की स्थिति के लिए उनके दावे को मान्य नहीं किया जाएगा और पात्र होने पर उनकी अभ्यर्थी आवेदन सामान्य युवा श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। इसमें साफ साफ डाला है, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आपको एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह बिहेव किया जाएगा। जी इसके बाद डाला है, किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें कि ऑनलाइन अथवा जैसे भी करके वैसे वहां पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ओरिजिनल ही होना चाहिए। एंड सेकेंड नोट आपका क्या है, सभी प्रमाण पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए। जी दोस्तों, यहाँ पर विशेष बात है, यदि आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ की लैंग्वेज कुछ और है और आपके सर्टिफिकेट भी उसी लैंग्वेज में है तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी हिंदी में नहीं है तो स्वयं प्रमाणित अनुवादित संस्करण हिंदी अंग्रेजी में कहीं भी जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किए जाएं। जी दोस्तों, इसके बाद डाला थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अल्पसंख्यकों का मतलब मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जरोस्ट्रियन, पारसी, आगे संशोधन यदि कोई है, इस केंद्रीकृत रोजगार नोटिस की समाप्ति तिथि तक प्राप्त हुआ, परीक्षा शुल्क छूट का यहाँ पे दावा करने की जगह दादा लिख दिया, दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक श्रेणी घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे उपयुक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित हैं। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो अभ्यर्थी खारिज कर दिया जाएगा, मतलब कि आप यदि आरक्षण चाहते हैं अल्पसंख्यक का तो आपको वहां पर सत्यापित करना होगा कि हाँ मैं हूँ, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट वहां पर पेश करने होंगे, नहीं तो आपको खारिज कर दिया जाएगा, यानी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ जी फ्रेंड, विशेष ध्यान दें, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है कंप्लीट तो करा लें। और उसके बाद क्या डाला है, यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो अभ्यर्थी खारिज कर दी जाएगी। अभ्यर्थी रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप में जारी आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करना होगा। जी दोस्तों, आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट भी वहां पर वेरिफिकेशन के वक्त जमा करना होगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोर नोट, इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के मामले में प्रमाण पत्रों को विशेष रूप से उल्लिखित होना चाहिए। जी दोस्तों, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं उनको विशेष रूप से उल्लिखित होना चाहिए। अभ्यर्थी भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्तियों, वर्गों, क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण, यहाँ पर जो नंबर दिया है, एनसीटी दिनांक 8/9/1993 और इसके बाद के संशोधन, फिर जो नंबर दिया है दिनांक 9/3/2004 के माध्यम से और आगे संशोधन यदि कोई हो, इस रोजगार नोटिस की समाप्ति तिथि तक प्राप्त हुआ हो, जो डॉक्यूमेंट से इस डेट के बीच होने चाहिए। अब इसके बाद देखा गया है कि नोट पांचवा, आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल होने पर, विशेष ध्यान दें, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं यदि आप विफल होते हैं तो क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर आपका जो कॉस्ट सर्टिफिकेट है उसको फ्रेंड्स छोड़कर अभ्यर्थी को अर्हक नहीं माना जाएगा, मतलब कि आपको योग्य ऐसा नहीं माना जाएगा जैसा आप चाहते हैं। कोई भी आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे को रिजर्वेशन मिले, जे मिले, वो मिले, तो आपको अर्हक नहीं माना जाएगा। इस मामले में अभ्यर्थी को अनारक्षित माना जाएगा, मतलब कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जी दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो की बात यही है कि आपके पास टाइम नहीं है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी आपके पास जो भी टाइम है उसमें आप कंप्लीट करा लें, नहीं तो पता चले बहुत से स्टूडेंट वेट कर रहे हों कि मैं तो जब भी आएगा कॉल लेटर उसी टाइम बनवा लूंगा। जी दोस्तों, इतने जल्दी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, किसी किसी को महीनों लग जाते हैं, किसी को 15 दिन, किसी को 10 दिन। इसलिए आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट करा लें, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी और
हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको हर एक बात क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और नहीं है तो क्या क्या होगा। आई थिंक अब आपके पास कोई क्वेरी नहीं होगी डॉक्यूमेंट से संबंधित। और दोस्तों, आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि आपको फिजिकल तक ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला CC मतलब चरित्र आपका सर्टिफिकेट, और उसके बाद देखते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है आप कॉस्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड। मींस कॉस्ट कौन सा? सेंट्रल का। अब चलती है चलते हैं फोर पांचवे नंबर पे। पांचवा हो गया दोस्तों आपका फोर कलर फोटोग्राफ, वहां पे टू दिया है, आप टू कर लेना। यहाँ पे सिक्स नंबर पे 10th मार्कशीट जे बेसिस कर आपकी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आई थिंक दोस्तों आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व हो गई है। अब आप ये नहीं पूछना कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने नोटिफिकेशन को बिल्कुल एक एक बारीकी से रीड किया है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छी समझ में आ जाए, और बता दिया कि आखिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, नहीं हो तो करवा लें। जी दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो दिल से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नए हैं तो। और फ्रेंड अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर एक पर्सन के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए 100% एक्यूरेट। जी दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।